आज मैं बहुत आसान तरीके से इमली की चटनी बता रही हूँ, एकदम यूनिक और खाने में तो टेस्टी होता ही है। अब एक बार ट्राई जरूर करें। सबसे पहले देखें, एक आलू मैं ली हूँ, उसको कद्दूकस की हूँ। फाइन वाले से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको पीसना नहीं है। छोटे छोटे चंक्स, हाफ टी स्पून अदरक का है, लहसुन 2 कलियां है फाइन चॉप, प्याज 1 छोटा पूरा फुल है चाहे हाफ बड़ा साइज का फाइन चॉप, देगी लाल मिर्च है 1 चम्मच, ये अपना टेस्ट अनुसार लीजिएगा, चटनी वैसे तीखा ही अच्छा लगता है। नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच है धनिया का पत्ती, हाफ टी स्पून है पुदीना पत्ती। इन सबको एक बाउल में चाहे प्लेट में निकाल लेंगे, सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम चाट मसाला 1/2 टीस्पून डालेंगे। फिर 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प, 1/2 टीस्पून भुना हुआ रोस्टेड जीरा, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा इमली का चटनी फटाफट से बनके तैयार। अब इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। जितना आपको गीला रखना उस हिसाब से आप गीला रखें, ठीक है। ये मैं बहुत ज़्यादा गीला नहीं की हूँ, इतना ही रखना चाहिए तब अच्छा लगता है खाने में ज़्यादा। अब मैं प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। लीजिए, हमारा फटाफट से इमली का एकदम अलग तरीके का चटनी मैंने बताया, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये किसी भी भरा पराठे के साथ, नॉर्मल पराठा, समोसा, किसी के साथ भी एकदम आराम से अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।